अरे आशा बहन जी, नमस्ते परवीन। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रसव ठीक रहा? हाँ। और बच्चे को अपना दूध पिला रही हो ना? हाँ दीदी, अपना ही दूध पिला रही हूँ। और आगे के बारे में क्या सोचा है आप दोनों ने? आगे के बारे में? अरे दीदी, अभी आगे के बारे में क्या सोचना, अभी तो बच्चा छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा। जब तक मुन्ना माँ का दूध पी रहा है और महावारी शुरू नहीं होती तब तक तो कोई खतरा नहीं है, पर उसके बाद गर्भ निरोधक उपाय करना जरूरी है। पर दीदी, अभी उपाय की क्या जरूरत है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रदीप कुमार। आई स्टडी इन क्लास 4। माई फादर एंड मदर लिव्ड इन जलालाबाद इन यूपी। माई फादर वॉज अ फार्मर एंड ही हैड अ वेरी लो इनकम। वी वुड इवन गो हंग्री समटाइम्स। देन वी मूव्ड टू पानीपत इन हरियाणा एंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ फैक्ट्री। हिज इनकम एट द फैक्ट्री वॉज इनफ टू फीड अस, बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड अस टू स्कूल। The manager at the factory told my father about the International Center of Hope. I took admission in the school and I am very happy here. My aim in life is to be an engineer. I thank the International Center of Hope for giving me this opportunity. Somewhere in those 12 years of schooling, a student has lost his or her capacity to think quietly, which is very essential for research, but for which you need time. You need time to make mistakes, you need time to understand why you have made a mistake, and you need time to understand how you can rectify that mistake. And the pressure of the current system, which is so exam based and which is so competitive exam based, doesn't give you the time for that. So the problem is multidimensional. You need to attack it on all fronts, but definitely we need to encourage more hands-on learning, encourage the children to do more lab work. You also need to get the rural children interested in science. They are interested, but you need to capitalize on that interest and make that interest translate into something useful. बच्चे समाज का मुस्तकबिल हैं, और इस जरूरत को बखूबी समझा Save the Children ने, जो 1978 से जम्मू और कश्मीर में बच्चों के हकूक के लिए काम कर रही है। गाने का यह नाम है यतीम, मैंने उसे खुद बनाया है। इसलिए मैंने लिखा है, हजारों ऐसे लड़कियां होंगे जिनके बाप मर चुके होंगे, तो क्यों ना मैं उन यतीमों के बारे में बात कर सकूं, जो यतीम पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो यतीम कपड़े पहनना चाहते हैं और उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। दुनिया की सबसे लंबी गली में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। गली गली सिम सिम, यहाँ कुछ खास बात है जगह की। यहाँ है खलबली, किसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चलती। गली गली सिम सिम। मेरा नाम रितिका है, मैं तीसरी क्लास में पढ़ती हूँ। मैं रोज स्कूल आती हूँ। मैं मैम बनना चाहती हूँ और बहुत पढ़ाई करूँगी और बच्चे को पढ़ाऊँगी। जो तुम्हारे काम की है मैं वो तुम्हें बताती हूँ। ये जो है महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। देखो मुकेश, ये है पुरुष नसबंदी। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है, और इसमें कोई परेशानी भी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा चीरा लगता है और बीच की नस काट दी जाती है,
और इसमें हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी भी मिल जाती है और उसके बाद में कोई परेशानी भी नहीं होती है, ठीक है ना? सबके पास है इस गली की, यहाँ तो छुपी बातें हैं कुछ पते की। हो बादलों के पीछे हम दौड़ लगाए, मिल के आओ हम धूम मचाए। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम।